नमस्कार दोस्तों, मैं अमित चौहान स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल सक्षम एजुकेशन में। साथियों, आज हम बात करने वाले हैं कि BCA के बाद हमें MCA करना चाहिए, MBA करना चाहिए, गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करनी चाहिए या हमें प्राइवेट सेक्टर में जॉब करनी चाहिए या उसके अलावा हमें कुछ और करना चाहिए। उसके बारे में मैं आज आपको पूरी डिटेल में बताने वाला हूँ, पॉइंट टू पॉइंट आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ। उसके लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, बाकी चीजें मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। तो चलिए साथियों, बिना किसी देरी के आज की वीडियो को शुरू करते हैं। साथियों, यदि मैं BCA की बात करूं, यानी कि बैचलर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन, तो ये 3 साल का प्रोफेशनल डिग्री कोर्स होता है जो कि हम रेगुलर और डिस्टेंस दोनों ही मोड में कर सकते हैं। तो आज हम BCA के बारे में बात नहीं करेंगे, हम बात करेंगे BCA के बाद में हमें क्या करना चाहिए। यदि आपको BCA के बारे में जानना है तो उसके लिए मैंने अलग से वीडियो बनाई है, उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिया हुआ है, तो वहां से आप BCA के बारे में जान सकते हैं कि BCA क्या होता है, कितने वर्ष का कोर्स होता है, क्या क्या पढ़ाया जाता है, तो सब सारी चीजें उसमें मैंने एक्सप्लेन की है। तो आज हम बात करते हैं कि BCA के बाद हमें क्या करना चाहिए। साथियों, जब बच्चा 3 साल का ये डिग्री कोर्स करता है तो उसको पूरी तरीके से आइडिया हो जाता है कि BCA में क्या पढ़ाया जाता है, कंप्यूटर के बारे में सब सारी चीजें जो पढ़ाई जाती हैं वो कंप्यूटर के बारे में पढ़ाई जाती हैं। अब यदि आपका फैमिली बैकग्राउंड ठीक है, आपको सपोर्ट है फैमिली की तरफ से, तो मैं ये कहूंगा कि आप पहले अपना MCA करें। 2 साल का आपका MCA होगा BCA के बाद में। यदि BSc के बाद में करते हैं तो हमारा 3 साल का MCA होता है, तो आपको जो MCA होगा वो 2 साल का होगा, यानी कि मास्टर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन। तो यदि आपको अच्छी पोजीशन पे अच्छी जॉब लेनी है तो आप अच्छे कॉलेज से MCA करें, पहले MCA करें, उसके बाद में आप इंडस्ट्री में जाएं जॉब के लिए। क्योंकि यदि आप BCA के बाद में जॉब पे जाएंगे तो BCA के बाद में जॉब मिल जाएगी आपको, यदि आपने अच्छे इंस्टीट्यूट और कॉलेज से या यूनिवर्सिटी से BCA किया है तो हो सकता है आपको जॉब मिल जाए, अच्छा पैकेज मिल जाए। लेकिन आगे जो हमें प्रॉब्लम आती है वो हमारे इंक्रीमेंट में या हमारा प्रमोशन होता है उसमें प्रॉब्लम आती है। क्योंकि प्रमोशन के लिए 2 चीजें मस्ट होती हैं। सबसे पहला होता है हमारी जो क्वालिफिकेशन है, जो हमारी क्वालिफिकेशन क्या है, डिग्रियां क्या है हमारे पास। दूसरा होता है कि हमारे अंदर क्या गट्स हैं, क्या हमने काम किया है, क्या टैलेंट है, क्या हम कर सकते हैं। तो ये दोनों ही चीजें मैटर करती हैं। तो आपको काम आता है ये अच्छी बात है, उसके बाद में हमारे पास डिग्री होना भी बहुत जरूरी है। तो उसके लिए हमें अपनी एजुकेशन पहले से ही हम कंप्लीट करके चलें, जिससे कि हमें कल कोई प्रॉब्लम ना आए। अब यहाँ पर दूसरा पॉइंट है कि यदि आपका फैमिली बैकग्राउंड सही नहीं है, यानी कि आपको फैमिली की तरफ से इतना पैसा नहीं मिल सकता कि आप MCA कर सके, या आपको फैमिली को सपोर्ट करना है, अब आपकी फैमिली आपका खर्चा नहीं उठा सकती, तो उसके लिए आप जॉब ज्वाइन कीजिए। अच्छी सी कंपनी में आपको जॉब मिल जाएगी यदि आपने अच्छे कॉलेज या यूनिवर्सिटी से अपना BCA कंप्लीट किया है। और उसके साथ साथ आप अपना MCA डिस्टेंस से भी कर सकते हैं, यानी कि डिस्टेंस में काफी सारी यूनिवर्सिटीज हैं जो डिस्टेंस से MCA कराती हैं, MBA कराती हैं। तो आप अगर कंपनी में जाते हैं कंप्यूटर की फील्ड में, तो मेरा मानना यही है कि पहले आप MCA करें, तो डिस्टेंस से आप MBA करें और साथ के साथ अपना जॉब करें। जब आपका 2 साल के बाद में इंक्रीमेंट होगा तो उस समय आपके पास डिग्री भी होगी, MCA भी आपका कंप्लीट हो जाएगा, और साथ के साथ जो आपका एक्सपीरियंस होगा, जो आपने काम किया है कंपनी में, वो भी काउंट होगा। तो आपकी जो डिग्री होगी दोनों ही की वैल्यू बराबर होती है, रेगुलर और डिस्टेंस। थोड़ा सा फर्क ये होता है कि उसमें हमने रेगुलर में प्रैक्टिकली सीखा हुआ होता है, हम डेली कॉलेज जाते हैं, तो उसका थोड़ा सा ये फर्क पड़ता है। बाकी जो हमारा डिस्टेंस होता है वो भी बराबर इक्विवेलेंट ही होता है, उसको भी वरीयता इतनी ही दी जाती है। तो आप डिस्टेंस से कर सकते हैं जॉब के साथ साथ। आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन मैं आपके साथ शेयर कर देता हूं। मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक दिया हुआ है सक्षम स्कॉलरशिप के नाम से। यदि आपको कोई भी हायर एजुकेशन या ग्रेजुएशन किसी भी कोर्स में एडमिशन लेना है तो आप वहां पर जाकर एक बार अपना रजिस्ट्रेशन अवश्य कराएं, वहां पर आपको कन्फर्म हो जाएगा कि आपको कितनी स्कॉलरशिप मिल सकती है। तो अभी तक इसका हजारों लाखों बच्चे फायदा उठा सके हैं, तो आप भी, मैं चाहूंगा, एक बार वहां पर अपना रजिस्ट्रेशन अवश्य कराएं। आगे है, यदि आपने BCA तो किया है लेकिन आपका कंप्यूटर में इतना इंटरेस्ट नहीं है, आपको कोडिंग करना अच्छा नहीं लगता, आपको प्रोग्रामिंग करनी इतनी अच्छी नहीं लगती है, तो आप एज अ टीम लीडर वर्क करना चाहते हैं, आपको एज अ टीम लीडर वर्क करना है, आपके प्रेजेंटेशन अच्छी है, तो आप क्या कर सकते हैं, आप MBA कर सकते हैं। MBA के बाद में अपनी MBA IT से कर सकते हैं, HR से कर सकते हैं, मार्केटिंग से कर सकते हैं। तो आप जो है कंप्यूटर की फील्ड में ही रहेंगे और आपको एक अच्छी जॉब मिल सकती है, क्योंकि MBA हमारा एक पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री प्रोग्राम है। तो आप MBA करके भी अपनी अच्छी जॉब पा सकते हैं, MBA भी आप कर सकते हैं। और यदि आपको पढ़ाना अच्छा लगता है तो आप BEd कर सकते हैं। 2 साल का BEd होगा, BEd के बाद में आप TET का एग्जाम देंगे, यदि आपका क्लियर हो जाता है तो आपको गवर्नमेंट जॉब में एज अ टीचर आप जा सकते हैं। यदि आपका टीचिंग में इंटरेस्ट है, आपको टीचिंग करना अच्छा लगता है।
नेक्स्ट है आप एलएलबी कर सकते हैं। एलएलबी करने के बाद में आप पीसीएसजे का एग्जाम दे सकते हैं। पीसीएसजे का एग्जाम यदि आपका क्लियर हो जाता है तो आप जज बन सकते हैं, और कंपनी के लिए जो जितनी भी हमारी कंपनी होती है तो उसमें लीगल एडवाइजर होते हैं। तो यदि आपने बीसीए के बाद में एलएलबी किया है, एलएलबी करने के बाद में आप कंपनी के एज अ लीगल एडवाइजर बन सकते हैं, जो कि हर कंपनी को लिए जरूरत होती है। हर कंपनी एक लीगल एडवाइजर रखती है, तो वो भी आप बन सकते हैं। यदि आपका एलएलबी में इंटरेस्ट है तो वो भी आप कर सकते हैं, एलएलबी भी कर सकते हैं। आप एमएससी आईटी भी कर सकते हैं, यानी कि मास्टर ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, उसमें भी आप जा सकते हैं। और इसके अलावा आप एमएससी सीएस से भी कर सकते हैं, यानी कि एमएससी कंप्यूटर साइंस, वो भी आप कर सकते हैं। यदि आपका इंटरेस्ट गवर्नमेंट जॉब की तरफ है तो उसकी भी आप तैयारी कर सकते हैं। गवर्नमेंट जॉब में भी आपको बहुत हेल्प मिलेगी यदि आपने बीसीए अच्छे से किया है, क्योंकि अब जितनी भी गवर्नमेंट की वैकेंसी आती है सभी में कंप्यूटर से रिलेटेड क्वेश्चन आते ही हैं। यानी कि एक पार्ट आपका स्ट्रांग हो जाएगा कंप्यूटर से, यदि आपने बीसीए किया है तो बीसीए में आपका कंप्यूटर से रिलेटेड सब सारी चीजें पढ़ाई जाती हैं। तो आपके जितने भी गवर्नमेंट के एग्जाम होते हैं, अगर मैं बात करूं ग्रेजुएशन लेवल के, तो उसमें मैक्सिमम जो हमारे एग्जाम में कंप्यूटर से रिलेटेड क्वेश्चन आते ही हैं, और उनके लिए बहुत सारे एग्जाम बीसीए के लिए निकलते हैं, स्पेशली बीसीए और बीटेक सीएस के लिए, जो सिर्फ और सिर्फ यही बच्चे भर सकते हैं। तो आप गवर्नमेंट की तरफ भी जा सकते हैं। जब आप गवर्नमेंट की तैयारी करेंगे तो आपको बीसीए से बहुत ज्यादा हेल्प मिलेगी आपको तैयारी करने में। लेकिन साथियों, मैं यहाँ पर एक चीज आपसे कहना चाहूंगा कि यदि आप गवर्नमेंट की तैयारी करें तो उसके साथ साथ अपना जो पोस्ट ग्रेजुएशन है वो जरूर करें, क्योंकि किसी कारणवश यदि आपका गवर्नमेंट जॉब में नहीं होता है तो आपके पास वो जो टाइम है वो वेस्ट टाइम ना जाए। उसके पास में आपके पास में मास्टर डिग्री हो, जिससे कि आप किसी भी प्राइवेट सेक्टर में आप जा सकें, प्राइवेट की अच्छी कंपनी में ज्वाइन कर सकें। तो साथियों, लास्ट में यदि आप मेरे से पूछेंगे कि सर हमें बीसीए के बाद में जॉब करनी चाहिए या हमें हमें आगे पढ़ाई करनी चाहिए, स्टडी करनी चाहिए, तो मेरा कहना यही है कि आप बीसीए के बाद में आप आगे स्टडी करें, 2 साल का समय और दें तो आपकी जो ज्वाइनिंग होगी वो अच्छी होगी और आगे चल के आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो मेरा मानना यही है कि आप अपनी स्टडी को कंटिन्यू रखें, अच्छे से आप अच्छे कॉलेज या यूनिवर्सिटी से अपनी स्टडी करें। तो चलिए साथियों, मिलते हैं कुछ नई अपडेट के साथ में नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।